चीज़ बॉल। किचन बाय विनी में आज बन रहे हैं वेजिटेबल ओट्स चीज़ बॉल। चीज़ बॉल तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन इतने हेल्दी चीज़ बॉल शायद से नहीं खाए होंगे। तो इसके लिए लेंगे हम बहुत सारी सब्जियां जो आपके पास अवेलेबल हो। ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रही हूँ आप वही लें। मैंने यहाँ लिया है करीब डेढ़ डेढ़ चम्मच के करीब, डेढ़ चम्मच गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, पालक, ये सब बारीक कतर ली है, और साथ में हरी मिर्ची और लहसुन। अब हम आधा कप पानी लेंगे एक बर्तन में, और जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे हम 1/4 कप ओट्स। अभी हमने 1/4 डाला है, 1/4 कप ओट्स बाद में भी डालेंगे, और साथ में डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, करीब 1/4 टीस्पून अभी नमक डाला है। और जितनी भी सब्जियां हमने कट करी थी इनको हम डाल देंगे इस ओट्स के साथ में। जब ओट्स पूरा पानी सोख लेगा तो हम ये सब्जियां भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस इतना कुक करना है कि ओट्स और सब्जियां सब एक साथ मिक्स हो जाएं। और अब हम इसके साथ में यहां पर डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्ची। आप चाहें तो और मसाले भी डाल सकते हैं, बट इतना ही मसाला सफिशियंट है टेस्ट के लिए। आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और भी जो आपको डालना है, अमचूर पाउडर वगैरह सब डाल सकते हैं। अब हमने लिया है यहाँ 1/4 कप ओट्स, और 1/4 कप से ही आधा कप आटा कह लीजिए, या फिर परथन जो आपके पास अवेलेबल हो, या फिर आप चाहें तो मैदा, जो आप डालना चाहें डाल सकते हैं। मैंने परथन लिया है 1/4 कप से भी आधा, और इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा बस फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और उसे ठंडा होने रख देंगे। एक हमने चीज़ क्यूब लिया है, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इस तरह एक छोटे छोटे से क्यूब्स बना लिए हैं एक क्यूब के। अब ये क्यूब तैयार हो जाने के बाद में ये जो हमने मसाला तैयार करा था ये भी इतना ठंडा हो गया है कि हम इसको हाथ लगा सकते हैं, और इस तरह से हम इसके पार्ट डिवाइड कर लेंगे। यहाँ मैंने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करके इसके छोटे छोटे बॉल बना लिए हैं। अब इन बॉल के अंदर बीच में होल कर हल्का सा उंगली से प्रेस करके एक होल बना लिया है, और अब इसके अंदर ये जो हमने चीज़ के क्यूब्स बना कर रखे थे वो एक एक इसके अंदर डालते जाना है, और वापस से बॉल को अच्छा फिनिश कर लेना है। इस तरह ये बॉल तैयार हो गए हैं। एक बर्तन में आप तेल लेंगे, और अब हम इसमें पहले एक बॉल डाल के देखेंगे कि क्या ये बॉल हमारा परफेक्ट है, फूट तो नहीं रहा है। अगर ये बॉल आपका बिल्कुल परफेक्ट है, देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं फूट रहा है, तो आप बाकी बॉल भी इसके अंदर डाल दीजिए। इस तरह आप सारे बॉल डाल दीजिए, और फिर झारे से या कढ़ाई को हल्का सा हिलाकर बॉल को थोड़ा सा ऊपर नीचे इसलिए कर लीजिए कि बॉल तले में लगे नहीं। यदि आप इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, आप ऑयल नहीं खाना चाहते हैं, तो आप इसको चपटा करके तवे पर भी सेक सकते हैं टिकिया के जैसे। जो हमने पहले बॉल डाला था वो हमने निकाल लिया है। इस तरह आप बाकी भी सब गोल्डन ब्राउन कर लीजिए और इनको निकाल लीजिए। इस तरह ये हमारी डिश एकदम तैयार है सर्विंग के लिए। आप इसको सर्व करिए, चाहे तो चटनी के साथ करिए या सॉसेस के साथ करिए, मर्ज़ी आपकी। और आप चाहे तो गरम गरम इसको ऐसे ही खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। यकीन नहीं है तो ट्राई करके देखिए, और फिर मुझे आप एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं। तो उम्मीद है ये आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी।